हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसे 9 टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्मॉल रूम को बड़े जैसा दिखा सकते हैं। तो क्या है ये टिप्स, जानने के लिए देखिए आज की वीडियो एंड तक। मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता खरकोदी और मेरी कोशिश रहती है इंटीरियर और आर्किटेक्चर रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आने की। तो देखते रहिए हमारी वीडियोज, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हम स्मॉल रूम की बात करते हैं तो व्हाइट और ऑफ व्हाइट हमेशा बेटर रहते हैं। जैसे कहा भी जाता है व्हाइट इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर आपको कलर्स बहुत पसंद हैं तो आप अपने किसी फेवरेट कलर का एक लाइटर टोन अपने किसी एक वॉल पर अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका रूम छोटा है तो आप वॉलपेपर यूज नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वॉलपेपर आप ऐसा चूज करें जिसमें पैटर्न कम हो और लाउड ना हो, साथ ही डिजाइन पीसफुल और सूदिंग हो, आंखों को चुभे नहीं। स्मॉल रूम्स में हमेशा लाइट फर्नीचर को प्रेफरेंस दीजिए। जैसे ड्राइंग रूम में फुली अबॉलिश्ड सोफा की जगह पर आप वुडन बेस वाला सोफा यूज कर सकते हैं। बेडरूम में मैसिव हेडबोर्ड्स को अवॉइड करें। अगर आपका बेडरूम छोटा है तो अपने बेड को कॉर्नर में प्लेस करवाइए, इससे आप अपना वॉल स्पेस सेव कर पाएंगे और बचे हुए वॉल स्पेस को आप वॉल डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी स्मॉल रूम में लेग्स वाले फर्नीचर बेटर रहते हैं, इससे आपकी फ्लोरिंग दिखती रहती है और इससे फ्लोर स्पेस बड़ा दिखाई देता है। अपने स्मॉल रूम इंटीरियर में एक बड़ा मिरर जरूर ऐड करें। मिरर से इल्यूजन क्रिएट करते हैं और इससे आपके रूम की लेंथ बड़ी दिखाई देती है। अगर आपका एंट्री लॉबी छोटी है तो आप एंट्री डोर के सामने एक बड़ा मिरर लगा सकते हैं, और बेडरूम में हेडबोर्ड के ऊपर आप वॉल पर एक बड़ा मिरर ऐड करा सकते हैं, इससे आपका रूम बड़ा दिखाई देगा। आजकल हम देखते हैं कि हमारे रूम्स में पिलर्स या कॉलम्स विजिबल रहते हैं, इनको आप निस्टेज या एल्कोव बनाकर छिपा सकते हैं। ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगी आपके रूम में। इन निस्टेज में आप अपने छोटे छोटे आइटम्स रख सकते हैं, जैसे कि अलार्म क्लॉक, फोटो फ्रेम्स एटसेट्रा। लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा सामान ना रखें, अदरवाइज फिर से आपका रूम छोटा दिखेगा। अपने स्मॉल रूम के लिए कर्टन चूज करते वक्त ध्यान रखें कि कर्टन का कलर आप अपने वॉल कलर्स के साथ में मैच करें। आप एक शेड डार्कर या फिर एक शेड लाइटर टोन चूज कर सकते हैं। कर्टन्स की लेंथ को फ्लोर तक रखें, ये दिखने में अच्छा लगेगा और आपका रूम एक हार्मोनाइज्ड वे में तैयार हो जाएगा। असल हम जब भी मार्केट जाते हैं तो होम डेकोर से रिलेटेड जो भी सामान हमें पसंद आता है उसे अपने साथ ले आते हैं, लेकिन हमारी ये आदत हमारे घर को एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह बना देती है और इससे हमारे रूम स्पेस छोटे दिखने लगते हैं। तो आप प्लीज़ इस आदत को बदलें और सामान उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत है और दिखने में भी अच्छा लगे। साथ ही आप ध्यान रखें कि हर एक आइटम की, हर एक सामान की अपनी एक फिक्स जगह बनाएं, जिससे कि सामान इधर उधर दिखता ना रहे, उन्हें स्टोरेज के अंदर बंद करके रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके रूम में नेचुरल लाइट का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए अपने विंडो के सामने किसी भी सामान या फर्नीचर को लगाने से बचें। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इन टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपका स्मॉल रूम आपको उतना छोटा नहीं लगेगा जितना कि एक्चुअली है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।